the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again if you are one of them who cannot fall asleep then this <laughs> video is for you छोटी मोटी चीज नहीं है अपने अपने इसके सकते है, आज हम बात करेंगे। तो हमारे केस में तो हम डॉक्टर हैं कभी भी फोन आ जाता है कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो आपका क्या कारण है नीचे लिख के दीजिए क्या कारण है कि आप नहीं सो पाते हैं कौन आपको तंग कर रहा है कि आपकी जॉब ऐसी वट इज योर रीजन वाई यू कैनॉट स्लीप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे और इसको समझते हैं सी फेस सिंड्रोम क्या होता है एक सर मेन इशू क्या होता है एक नॉर्मल हमारे शरीर में ना सर्केडियन रिदम होती है बड़ी जरूरी चीज होती है सर्केडियन जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा एक साइकिल सेट होता है स्लीप का कि भाई इतने बजे तक सोएंगे प्रॉपर रात को दस बजे सो रहे हैं और सुबह वास्तवता आप आठ बजे उठ रहे हैं सात बजे उठ रहे हैं वटेवर इज योर टाइम छह बजे उठ रहे हैं वटेवर इज योर टाइम उठने का सोने का दस घंटे सो रहे हैं आठ घंटे सो रहे हैं छह घंटे सो रहे हैं तो जब एक साइकिल सेट हो जाता है ना तो वो साइकिल सेट हो जाता है मगर कुछ लोगों में जिनकी रात को नाइट नाइट रैली चले गए कॉल आ गया फिर ऐसा हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शिफ्ट हो गई फिर ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका सर्केडियम रिदम खराब हो जाए नॉट रियली नेसेसरी कि नाइट शिफ्ट वालों के साथ ही होगा जो लोग की सिर्फ नाइट शिफ्ट होती है उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे जिन लोगों की चेंजिंग शिफ्ट है थोड़े महीने चाहे नाइट शिफ्ट उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे लेकिन ये जो पॉइंट है ये है कि कभी सोए कभी नहीं सोए नींद आती नहीं बस आती नहीं है सर्केडियम रिदम प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम इज इट योर इंटरनल बॉडी क्लॉक द प्रॉब्लम दैट टींस एट लीस्ट आप जब लेटते हैं जो आप सोने का प्लान करते हैं उससे एटलीस्ट दो घंटा डिले हो रही है नींद याद रखिए और हमने एक इंटरमीडियंट स्लीप वेक वाला बताया था वो जो होती है इंटरमीडियंट वाले में उसमें चार घंटे से ज्यादा बंदा सो नहीं पाता वो अलग वीडियो देखिएगा जरूर ये एक तरीके की और स्लीप डिसऑर्डर है इसके कॉज क्या है कौन कर रहा है ये राइट एक तो आपके कई लोगों की जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जेनेटिकली नींद नहीं आती आराम सेन प्यूबर्टी के टाइम पे आपके हॉर्मोनल चेंजेस जो होते हैं कुछ लोगों का तब से शुरू हो जाता है अब यहाँ पर एक्चुअली ये दोनों जो है एक रिलेटेड है ठीक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम प्यूबर्टी के टाइम पे क्योंकि आपके हॉर्मोन्स आपके इच्छाएं शुरू हो जाती हैं तो कई बार रातों को ख्यालों में हो जाया करते हैं और घंटों निकल जाते हैं कई बार वो ख्याल आपको दिखने लगते हैं आपके फोन के ऊपर जी हाँ मैं समझ रहा हूँ नीचे लिख सकते हैं आप, आपको क्या लग रहा है वो ही तो कई बार उसमें समय निकल जाता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जरूरी नहीं है कि एक यही हो कई लोग परेशान हैं एक्चुअल काम के मारे हैं कईयों के बॉस तंग कर रहे हैं डेडलाइन आ रही पैसे नहीं है वो लोन ले रखा है कईयों को खाने के बांधे हैं तो साइकोलॉजिकल इशू अगर आपको तंग कर रहा है दैट कैन लीड टू कोई भी तंग कर हस्बैंड तंग कर रहा है साइकोलॉजिकल बच्चे तंग कर रहे हैं बीवी तंग कर रही सासू मतंकर वट एवर इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर दो घंटे सोच रहे मैं क्या कर रही हूँिकल डिस प्रॉब्लम बीमारियां हो सकती है कुछ न्यूरोलॉजिकल अगर एक्चुअली में कोई और इश्यू नहीं पकड़ में आ रहा तब फिर न्यूरोलॉजिकल इशूज को पकड़ना चाहिए कोशिश करनी चाहिए और एक अलग से क्रोनिक इंसोमनिया जैसी बीमारी भी होती है जिनकी हमेशा से ही नींद कम आती है जेनेटिक इश्यू नहीं होता है फिर उसका भी रीजन ढूंढना पड़ता है तो क्रोनिक इंसोमनिया और सबसे बड़ा कारण जो आजकल है पुअर स्लीपिंग हैबिट बत्तियां की बत्तियां चालू हैं और फोन की ब्राइट लाइट है ऐसा घुस घुस के फोन देख रहे हैं ये मजेदार एकदम हाइपर एक्साइटिंग चीजें देख रहे हैं अब नींद आ रही है पर एक्साइटिंग सीन चल रहा है एक्साइटिंग कुछ चल रहा है एक्साइटिंग हो माई गॉड क्या होगा रुक गया मुझे देखने दे नींद भी आ रही है चली गई नींद अरे यार अब तो नींद आ रही so so this happens these so these are are poor 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 sleeping habits, poor sleeping environment, poor sleeping habits environment ethics so these are the reasons है, है? delayed sleep sleep तो तो difficulty in falling sleep होगा। आप सुबह रात को सोने में मुश्किल फिर सुबह उठने में मुश्किल मुझे पता है अरे भी सो कोई बात उसके बाद में एक्सेसिव डे टाइम स्लीपी ने सब तो दिन भर नींद आती रहेगी और नो अदर स्लीप issue कोई और ऐसा खतरनाक स्लीप issue होगा नहीं डिप्रेशन भी हो सकता है आपको जस्ट बिकॉज की और अब काम नहीं कर पा रहे सुबह लेट हो रहे बार बार गालियां खा रहे बार बार डांट खा रहे बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं आपके प्रॉब्लम जो है गुस्से में बदल सकते हैं आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है सो थिंग्स कैन चेंज राइट बिकॉज ऑफ दिस राइट बिकॉज सो वॉट कैन यू डू हाउ कैन यू डायग्नोस अल्टीमेटली आपके हिस्ट्री uh, से ही डायग्नोस हो जाता है और ज्यादातर ऐसे केसेज जो है मिस डायग्नोस निकलते आते हैं कई तो लोग को कुछ बीमारी निकाल दी जाती है अरे तुम्हारे तो मसल में पेन है इन्फ्लामेशन होगा तुम्हारे बॉडी बॉडी पेन होने लगते हैं ऐसी ऐसी होने लगती है मुझे पता है आई I मीन mean,

इंटरनल क्लॉक को डिले करना पड़ेगा डिले करना पड़ेगा कैसे डिले करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा उसको कैसे मनाना पड़ेगा आप एक तो ब्राइट लाइट थेरेपी यूज करें ब्राइट लाइट थेरेपी का मतलब होता है व्हेन यू डोंट वांट टू स्लीप द ब्राइटेस्ट लाइट आप यूज करें उस कमरे में ब्राइटेस्ट लाइट उसको जब आप नहीं सोना जब आप सोना चाहते हैं लोएस्ट लाइट यूज करें लोएस्ट लाइट ना के बराबर फोन दूर रख दे भैया वो सबसे जरूरी है फोन भी यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक मोड काली लाइट बिल्कुल खत्म ठीक है और दूसरा आप मेलाटोनिन ले सकते मेलाटोनिन के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है जिसके बारे में आपको बताएंगे तीन मिलीग्राम से शुरू करके मेलाटोनिन ले सकते हैं विच कैन बी इंक्रीज इफ नीडेड टू टेन मिलीग्राम तक भी जा सकते हैं सेफली आराम से वैसे तो और भी जा सकते हैं और यहां वीडियो के लिए वो डॉक्टर का, का काम है आपके कंसल्टेशन पे बढ़ाना आप खुद से नहीं बढ़ाएं उसके बाद में इम्प्रूव स्लीप हाइजीन ऐसा नहीं कि कहीं भी सो रहे हैं ना बिस्तर ऐसा ना आड़ा ना टेढ़ा कुछ भी जय हो ना इधर से आवाजें आ रही उधर से हाइजीन स्लीप हाइजीन का मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हाइजीन ऑफ योर बेड इट्स द हाइजीन ऑफ द इनवायरमेंट राइट इट शुड बी यू नो उसमें आ, अच्छा ठंडा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए कोई उल्टी सीधी साउंड नहीं होनी चाहिए तो स्लीप हाइजीन अपने निकाली ठीक करिए तो वट इज दिस ट्रीटमेंट ऑफ डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम विद ब्राइट लाइट एक्सपोजर तो क्या है ये मॉर्निंग एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट एंड इवनिंग रिड्यूस एक्सपोजर टू लाइट ये फीचर है रात को बिल्कुल शाम शाम और मॉर्निंग से बहुत एक्सपोजर करें ब्राइट लाइट का तो जो आपकी ये जो हो रहा है ना ये जो स्लीप है नॉर्मल स्लीप यहाँ आनी चाहिए थी पर आपकी स्लीप आ रही है लेट तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी तो दिल्ली ट्रीटमेंट हियर इज ब्राइट लाइट ट्रीटमेंट ब्राइट लाइट थेरेपी तो रात को शाम होते ही डिनर करके लाइटें सारी बंद कर देना अंधेरे में जियो अकेले आई मीन सब कुछ याद मगर तो, कर लेना मजाक नहीं कम से कम लाइट रख लेना यार ऐसी कोई बात नहीं एंड देन सुबह उठ के एकदम खूंखार सारी कोई बत्ती नहीं छोड़नी जला देनी सारी की सारी वो भी पर्दे भी खोल दे बत्ती भी जला देनी पगला करते ना ब्रेन को दिस इज दिस इज ट्रू आई मीन सीरियसली दिस वर्क्स सो ट्राई इट ओके एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अगर अच्छा लगा है और किसी की मदद हो जाएगी भाई शेयर कर लिया करो और लाइक कर दो तो हमारी भी मदद हो जाएगी थोड़ा वीडियो भी चलेंगे है कि नहीं तो प्लीज लाइक और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया का बटन दबाएं और नीचे लिख के जरूर जरूर बताएं व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट स्लीपिंग है जी आपका क्या कारण है जरूर और इसमें सिम्टम्स में से क्या आप भी कुछ सिम्टम महसूस कर रहे हैं आपके अंदर क्या है नीचे लिख के बताएं ओके थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेडी